नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो TTML में एक बार फिर से दोस्तों सर्किट पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। और दोस्तों कंपनी का कल जो क्वार्टर टू का रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ था, जिसमें कंपनी को हुआ था दोस्तों 310 करोड़ का लॉस। तो अभी के टाइम दोस्तों मंडे को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है, और साथ ही साथ दोस्तों अब जो है मार्केट में जो कंपनी जो टारगेट है क्वार्टर टू के बाद में अब किस प्रकार जाएगी या गिरेगी, और साथ ही साथ चार्ट का संकेत क्या होने वाला है, तो जानकारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों अगर आज की ओपनिंग की अगर बात करना चाहूँ तो 86 रुपये 15 पैसे के साथ ओपनिंग नजर आई थी, और 88 रुपये 75 पैसे तक मार्केट में जंप यहाँ पे देखने को नजर आया था। पर इस बीच क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो 86 रुपये 75 पैसे पर आज का जो है मार्केट क्लोजिंग देखने को नजर आई है, जिसमें रिटर्न्स की दोस्तों अगर बात की जाए तो 1.40% की रिटर्न्स पर दोस्तों आज के जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों डे बाय डे में जो है कंपनी का कारोबार बढ़ता हुआ भी देखने को मिला, पर कंपनी का क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव देखने को मिला। मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले ही बता दिया था कि कंपनी का जो क्वार्टर टू का जो डेटा है वो नेगेटिव बन सकता है, और वही यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम देखा जाए तो कंपनी का दोस्तों एक चीज़ से दोस्तों सबसे बड़ा जो लॉस का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है वो देखने को मिला कि दोस्तों कंपनी जो है इंटरेस्ट काफी बड़ा पे आउट कर रही है। कंपनी ने दोस्तों इस बार भी दोस्तों 300 करोड़ के आसपास 304 करोड़ का जो है इंटरेस्ट एक बार फिर से पे आउट किया है, तो इंटरेस्ट की वजह से ही कंपनी को सबसे बड़े लॉस का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो सेल्स की ग्रोथ काफी अच्छी बढ़ रही है, सेल्स काफी देखने को नजर आई, और अगर देखा जाए तो कंपनी के खर्च जो है वो भी काफी अच्छे मेंटेन होते हुए देखने को नजर आई। पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज जो क्लोजिंग रहने वाली है दोस्तों 86 रुपये 85 पैसे पर आज की मार्केट की क्लोजिंग देखने को नजर आई है। और अब देखा जाए तो दोस्तों लास्ट पिछले 5 ट्रेड की अगर बात करना चाहूँ तो 96 रुपये 30 पैसे से मार्केट अगर गिर कर देखा जाए तो सीधे सीधे दोस्तों जो है यहाँ पे 86 रुपये 15 पैसे तक जाके दोस्तों अगर देखा जाए तो आज की जो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को नजर आई है। पर इस बीच दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके दोस्तों मार्केट में अगर देखा जाए तो तेज़ी काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी लॉस में होने के बाद भी देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप में गिरावट देखने को नजर बिल्कुल भी देखने को नहीं आई। साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के लगातार जो उतार चढ़ाव थे वो भी यहाँ पे देखने को नजर आए, और उसमें देखा जाए तो लगातार कंपनी जो है जो सेल्स की जो ग्रोथ थी उसमें बढ़ोतरी देखने को नजर आई। अब बात की जाए टारगेट के दोस्तों कंपनी की जो प्राइस है बड़े एक्सपर्ट की राह की अगर बात की जाए तो दोस्तों 78 रुपये तक आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाने की आवश्यकता है, और अगर देखा जाए तो दोस्तों तेजी की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस 110 रुपये तक मार्केट की जो तेजी है वो बढ़कर आप लोगों को देखने को नजर आ सकती है, और अगर देखा जाए तो गिरावट जो है वो आप लोग दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया 78 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, गिरावट रहने वाली 80 रुपये तक हो सकती है, और बाकी इसके वजह से मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को नजर आ सकते हैं। पर फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो लास्ट 6 महीने की अगर बात की जाए तो लास्ट 6 महीने में जो कंपनी ने रिटर्न यहाँ पे आउट किया है वो 41.80% का देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा मल्टीपल अगर पे आउट हुआ है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो 52 हाईएस्ट वीक की जो प्राइस यहाँ पे रहने वाली है 109 रुपये 10 पैसे की, और 52 लो वीक की अगर बात की जाए तो 49 रुपये 65 पैसे की। तो अभी टाइम देखा जाए तो दोस्तों कंपनी को पिछले टाइम लास्ट 6 महीने के अंदर जो प्रोजेक्ट थे वो भी काफ़ी अच्छे देखने को नजर आए थे, 3 से 4 प्रोजेक्ट कंपनी को मिले थे, उस पर भी दोस्तों कंपनी अब तक जो है कार्य स्टार्ट नहीं कर पाई है, तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी जो है नेगेटिविटी रहने वाली है। कंपनी को दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स पर कार्य स्टार्ट करना चाहिए था पर अब तक यहाँ पर नहीं हुआ। पर अभी टाइम कंपनी दोस्तों मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 16,976 करोड़ का अभी टाइम जो है यहाँ पर मार्केट कैप रहने वाला है। फिलहाल आप लोग को दोस्तों बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो, उससे पहले बता दूँ चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल अगर कंपनी के चार्ट संकेत की अगर बात की जाए तो दोस्तों अभी टाइम कंपनी के चार्ट कैंडल्स जो है दोस्तों वो एक बार फिर से देखा जाए उतार चढ़ाव तो देखने को मिला, पर दोस्तों जो है बेरिस जो बुलिश जो कैंडल्स है वो यहाँ पे देखने को मिला है। बेरिस में अगर देखा जाए लगातार जो कैंडल थी वो देखने को नजर आई थी, पर अभी टाइम देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के जो कैंडल्स है वो पिछले टाइम से वापस जो है रेड होती हुई देखने को नजर आई। पर आज अगर देखा जाए तो दोस्तों मार्केट में फिर से दोस्तों तेज़ी काफ़ी अच्छी नजर आई है। ऑलरेडी देखा जाए तो उसमें जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, वर्तमान क्लोजिंग 86 रुपये 85 पैसे पर देखने को नजर आई है। पर अभी टाइम दोस्तों आप लोग सॉरी 75 पैसे पर क्लोजिंग देखने को नजर आ रही है। पर इस बीच अगर कंपनी दोस्तों 1 वीक के हिसाब से चार्ट को अगर रीड किया जाए तो दोस्तों उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को नजर आ सकते हैं। लास्ट अगर वीक में अगर देखा जाए तो गिरावट काफ़ी देखने को नीचे तक आई थी, पर वापस जो है मार्केट रिकवर भी होता हुआ देखने को नजर आया है, और उससे पहले अगर देखा जाए तो मार्केट में जो जंप थी वो भी काफ़ी अच्छे देखने को नजर आई, जो लास्ट 1.5 महीने के अंदर देखने को नजर आई। अभी के टाइम दोस्तों कंपनी में जितना हो सके पेशेंस के साथ आप लोग को होल्ड बनाए रखने की आवश्यकता है, और रही बात
दोस्तों कंपनी के कर्ज की, तो दोस्तों कंपनी का जो कर्ज है एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों ये अब कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी रह सकती है, पर कंपनी वापस अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पैनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एंसर्स करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।